नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर के कुछ खास खबरों के साथ। फतेहपुर जनपद के तहसील खागा सभागार में आज जिलाधिकारी श्री प्रहलाद सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें यू आईकॉन डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव व CHC हरदों के चिकित्सा अधिकारी UP कुशवाहा जी और अन्य लोग मौजूद रहे। मीटिंग हॉल में उपस्थित सभी स्वास्थ्य कर्मियों से कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के विषय में जानकारी ली गई कि टीकाकरण करवाने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी या दिक्कत तो नहीं महसूस हो रही है। इसके बाद उपजिलाधिकारी श्री प्रहलाद सिंह, आईकॉन डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव, नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी लाल चंद्र व अन्य कर्मचारियों ने नगर की लोहेसरिया की दुकानों पर जाकर निवेदन पत्र और लाल कपड़ा देकर जागरूक किया और निवेदन किया है कि यदि गाड़ी में लोहा या सरिया लाया जा रहा है तो बाहर निकली सरिया या लोहे में लाल कपड़ा जरूर बांधे, इससे दुर्घटनाओं की संभावना कम रहेगी। इसके संबंध में आईकॉन डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव व सहयोगियों ने उपजिलाधिकारी श्री प्रहलाद सिंह को ज्ञापन भी दिया। आइए सुने क्या कहा खागा। उपजिलाधिकारी प्रहलाद सिंह ने MP न्यूज़कास्ट ब्यूरो संजय पटेल की रिपोर्ट फतेहपुर से। और हल्के और सस्ते, कोई मतलब इसका वो उपयोग नहीं। पैसों को अगर लोग ठंडी लगाओ शुरू करें तो पूरा धन डालते हो वो नगर। तो हमें चाहिए कि जब आप जाए तो हमारे सामने इसको लगवा दो, और अच्छी तो आप देते ही। समारोह सहित वहाँ बंटवाया अपने एक लाख। और सुनिए, एक इतने नहीं बांटा। कोविड में जब हम पैकेट बांटते थे राशन बांटा, तो चूंकि ये बह रहा है कि छुट्टियों खरीद कर अपने आदमी ले जाके लगवा परिवार खाने को नहीं पा रहा है, तो 10-20 किलो अपना 10-5 किलो दाल चावल किया, चार टाइम की सब्जी अपना लिया, अपने लोगों के साथ लेके गए, उसको आगे भी बढ़ा रहे, तब पीछे भी बढ़ा रहे, तब वो दिखाई नहीं पड़ता, अंधेरा हो गया, बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता, और क्या होता वो सीधे लोगों को चोट पहुंचा देता है। तो अभी ये जागृत करते हैं प्रशासन के साथ कि जब भी कोई दुकानदार उसको बांट बेचे और कोई व्यक्ति उसे ले जाए तो क्या करे, पीछे रेड कपड़ा बांध ले, ये रेड कपड़ा लेके आए क्योंकि न नहीं कर रहे तो ये लो कपड़ा और उसको बांधो ताकि दुर्घटनाएं ना हो। ये काम आप कर रहे हैं, जितने हम लोग हैं अगर हम पे भी इतनी संवेदनशीलता आए, थोड़ा सा साइड नौकरी तो करेंगे, भी डॉक्टर है, इनकी भी प्रैक्टिस है, इनको भी बच्चों को पालने के लिए दाल रोटी कमाना है, लेकिन ये संवेदनशीलता के साथ इतना काम कर रहे हैं तो हो सकता है किसी की जान बच जाए हमारे आपके रिक्शे पे अपनी किसी गाड़ी पे सही लाद लेते और चले जाते हैं, तो उसका आगे भी बढ़ा रहे, तब पीछे भी बढ़ा रहे, तब वो दिखाई नहीं पड़ता। ब्लड डोनेशन का काम जो है ये मतलब पूरे प्रदेश नहीं, जो है वो कराते हैं। तो मैं अभी आपको दो मिनट